हेलो एवरीवन, तो मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो आपने ये सारे रफल्स तो देखे ही होंगे बहुत सारे डिज़ाइनर ड्रेसेस में, तो कुछ अलग करने से ड्रेस डिज़ाइनर बन जाती है, आपकी नॉर्मल ड्रेस भी डिज़ाइनर लगने लगती है। तो उसके लिए हम क्या क्या करते हैं मैं आपको वीडियोज़ में बताती रहूँगी। तो ये वीडियो मैं लेके आई हूँ जिसमें हमने रफ़ल बनाई है और पूरी स्कर्ट उसके बाद रफ़ल बनाएंगे। तो बट हमारा टॉपिक आता है अब कि रफ़ल्स बनती कैसे हैं विदाउट प्रेशर फुट चेंज किए हुए, हम रफ़ल किस तरीके से बनाएं ताकि हमारी जो रफ़ल्स हैं वो इक्वली आ जाएं, क्योंकि कुछ लोग नॉर्मल स्टिच करते हैं दैन उसके बाद रफ़ल्स को स्ट्रेच करने लगते हैं और उनको पास पास कर देते हैं। तो वो तरीका मुझे सही नहीं लगता है क्योंकि उसमें आती है थोड़ी सी दिक्कत। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक सबसे आसान तरीका। तो ये हमारी एक रफ़ल है जो हमने हॉट पिंक कलर में बनाई है। बेसिकली मैं एक गाउन तैयार कर रही हूँ जिसके लिए रफ़ल्स क्रिएट की है, तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो भी बना लेते हैं साथ में। तो ये वीडियो है उसी टॉपिक के ऊपर। तो जब हम नेट से रफ़ल बनाते हैं तो हम नेट बहुत ज़्यादा चाहिए, तो ऑलमोस्ट 10 मीटर जो हम नेट लेते हैं उससे हार्डली 20 मीटर अराउंड हमारी नेट निकल कर आती है। तो यहाँ पर हमने इस ड्रेस को बनाने के लिए 60 मीटर नेट यूज़ किया है और उस पूरे की रफ़ल डाली है। तो देखिए यहाँ पर रफ़ल किस तरीके से डाल रहे हैं, ये कुछ 6 इंचेस के आसपास का कपड़ा लेते हैं, उसको इस तरीके से जोड़ते हैं और यहाँ पर आकर थोड़ा सा रिलीज़ कर देते हैं और उसको स्टिच कर देते। पास से देख लीजिए लोग, उसको इस तरीके से स्टिच कर देते हैं। देखिए इन्होंने लिया इसको और बाद में लूज छोड़ दिया, फिर उसके बाद फिर से इतना एरिया लिया और फिर उसको स्टिच कर दिया। तो इस तरीके से स्टिच करने से क्या होता है कि हमारी रफ़ल्स इक्वली बन जाती है। देखिए दूसरी तरफ भी मेरे रफ़ल्स बन रही हैं, इन्होंने भी सेम इसी तरीके से किया है और उसको स्टिच किया है, फिर उसके बाद सेम उन्होंने 6 इंचेस के आसपास ली हैं और उसको स्टिच किया है। तो मैं जल्दी ही इसका कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगी। कमेंट में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। बाय गाइज़।